नमस्कार साथियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज शाम 4 बजे आपके लिए खूबसूरत सा सेशन आता है जिसमें आपको मैं CBSE क्लास 10th की NCERT को ख़त्म करा रहा होता हूं। इसकी सीरीज़ में हमारा 14th लेक्चर आ चुका है और इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसान वे में समझ रहे हैं और इस पर कमांड कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज 8.4 के हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको आज हम ख़त्म करेंगे और इसी के साथ साथ हमारी आज ट्रिग्नोमेट्री बाइंड अप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ से लेके बेटा एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इसके सारे सॉल्यूशंस आप मेरी पुरानी वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। जिसको भी बेसिक से समझना है वो मेरी फर्स्ट लेक्चर से मेरी वीडियोज़ ले सकता है और यहाँ तक आ देख सकता है। और जो कंटिन्यूस देख रहे हैं उनका इस सेशन में स्वागत है और हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। मैंने आपको 3 पार्ट्स कल करा दिए थे, उसका 4th पार्ट से हम लोग शुरू करने वाले हैं और 10 पार्ट्स तक आज ख़त्म करेंगे बिल्कुल इसको, और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए आ जाइए, इस सेशन को जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो देख पा रहे होंगे आप, 4th क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। कह रहा है 1 + sec a / sec a इज इक्वल टू sin²a / 1 - cos a, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, हमें LHS लेना होता है या RHS, और किसी किसी क्वेश्चन में तो दोनों साइड्स को बेटा प्रूफ करना पड़ता है और लास्ट में आके जब दोनों मिक्स हो जाती हैं तब वहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। शायद इस क्वेश्चन में वैसे होने वाला है, आइए देखते हैं ज़रा। तो हम लोग स्टार्टिंग में ले लेंगे LHS को। LHS में बेटा क्या दिया हुआ है, 1 + sec a / sec a, ओके। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको पता है बच्चे sec a क्या होता है, रेसिप्रोकल किसका होता है, cos का। तो sec a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 / cos लिख सकते हैं ना। तो sec a की जगह पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे 1 / cos a से, ओके। और जो डिनोमिनेटर में है उसको भी हम चेंज कर देंगे 1 / cos a, ठीक। अब यहाँ से क्या हो सकता है बेटा, न्यूमरेटर में तो LCM आ सकता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो सकता। तो न्यूमरेटर में हम लोग LCM लेने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा cos a यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आप 1 लेंगे डिनोमिनेटर में तो इसकी मल्टीप्लाई cos a से होगी, तो न्यूमरेटर में भी आप करेंगे, तो न्यूमरेटर में जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका ये आ जाएगा, ओके। और डिनोमिनेटर एज इट इज रहने वाला है, उसको चेंज नहीं करना है, ओके। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब आप देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में cos a आ रहा है और जो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है उसमें भी cos a आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट होने वाले हैं बहुत ही ईजी वे में। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और हमारा क्या रिजल्ट आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, cos a + 1, ठीक है बच्चों, cos a + 1। इस रिजल्ट को आप अपने पास संभाल के रखेंगे क्योंकि अब हम RHS सॉल्व करने वाले हैं, तो इस रिजल्ट का वहाँ पर यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया। अब देखिए इससे आगे आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप cos को चेंज करेंगे 1 / sec a में तो आप घूम फिर के वहीं पर आ जाएंगे जहां पर आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर RHS को यूज़ करना पड़ेगा ताकि RHS भी यहां तक आ जाए तो हमारा क्वेश्चन वहां पर ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स टेक RHS नाउ। RHS अगर आप लेंगे, RHS में बेटा क्या है, sin²a / 1 - cos a, sin²a / 1 - cos a, ओके। आपको बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी याद होगी जो मैंने आपको बताई थी बहुत स्टार्टिंग में। मैंने आपसे कहा था sin²a + cos²a क्या होता है, sin²a + cos²a बच्चों क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो वहां से sin²a की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए जरा, sin²a + cos²a कितना होता है, 1 होता है। अगर आप यहाँ से sin²a की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, cos² को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे, तो वहाँ पर ये हो जाएगा 1 - cos²a, sin²a = 1 - cos²a, ओके। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं, ओके, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं। sin²a की जगह पर हम लोग 1 - cos²a को रिप्लेस कर देंगे। और बेटा जब आप एग्जाम देंगे तो ये चीज़ आपको रफ में नहीं करनी है, आपको फेयर में शो करके दिखाना होगा कि आपको sin² की वैल्यू आपने फाइंड कहाँ से की है, ठीक है। मैंने बोर्ड की साइड में कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप रफ समझें उसको, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन का पार्ट है, आप एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करके आएंगे, ठीक है। तो sin²a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग 1 - cos²a, और डिनोमिनेटर में बेटा हो रहा है 1 - cos a, ओके।
अब आप देख पा रहे होंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी। काफी बार ये आइडेंटिटी लग चुकी है, अब तक आपके दिमाग में सेट हो चुकी होगी। तो वन माइनस, अगर आप यहाँ पे वन का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि वन के स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम वन के स्क्वायर को लिख सकते हैं। और किसी नंबर पे आप ऐसा मत करिएगा, आप कहें सर ने कहा है तो हम स्क्वायर लगा दें, वन पर ही आप स्क्वायर लगा सकते हैं। वन का रूट लीजिए, वन का स्क्वायर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये बच्चे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से बेटा आइडेंटिटी लग जाएगी वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए। सर ये कैसे हुआ? बेटा वन को हमने ए मान लिया और कॉस ए को हमने बी मान लिया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के थ्रू ये चीज हमारे रिजल्ट मिल गया है। और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या चल रहा है? वन माइनस कॉस ए। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा न्यूमरेटर का वन माइनस कॉस ए और डिनोमिनेटर का वन माइनस कॉस ए आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट करने वाले हैं। तो हमारा रिजल्ट यहां से आने वाला है वन प्लस कॉस ए। ओके, वन प्लस कॉस ए। और अभी मैंने आपको पिछले रिजल्ट में आपसे कहा था कि एक रिजल्ट आप बचाकर रखिए आगे के लिए, क्योंकि वो यूज होने वाला है। तो अभी आप देखेंगे कि दोनों चीजें सेम आ चुकी हैं बेटा। यहां पर क्या आ रहा है बेटा? कॉस ए प्लस वन। और हमने जब आर एच एस को सॉल्व किया तो भी क्या आया? कॉस ए प्लस वन। ये भी एक तरीका है बेटा प्रूविंग करने का। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में आप एलएचएस को शुरू करें और गारंटेड आरएचएस तक पहुंच जाएं। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है जिसमें आरएचएस तक आप नहीं पहुंच पाते, तो क्या करना होगा? वहां पे आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में बेटा ऐसा होता है, सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, और जहां पर वो एक ही रिजल्ट दे देंगी, जहां पर बच्चे वो एक ही रिजल्ट दे देंगे, ये LHS के थ्रू और ये RHS के थ्रू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? LHS is equals to RHS। ओके, ये एक नया तरीका आपको आज सीखने को मिला मेरे द्वारा। ठीक है ना, जब दोनों रिजल्ट आपके सॉल्व हो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है, करके देखना है। सेम रिजल्ट आते ही वहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देना है। ओके, कुछ ही क्वेश्चन में ऐसा होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट बच्चे। हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट के पास। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का सेकंड लेंथीएस्ट क्वेश्चन है। अभी एक कल मैंने लेंथीएस्ट क्वेश्चन कराया था थर्ड पार्ट आपको, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा और बाकी सारे क्वेश्चन बहुत छोटे होने वाले हैं। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए और भागना नहीं है, ठीक है ना? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया तो क्या करोगे? सारा पढ़ लिया, यही नहीं पढ़ा, ठीक है ना? हार्ड क्वेश्चन तो ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि लंबे ज्यादा मार्क्स में आता है वो, और आसान क्वेश्चन कम मार्क्स में आता है। ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे अच्छे से और जुड़े रहेंगे इस वीडियो से। देखिए जरा इस वीडियो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। एलएचएस को लेते हैं बेटा, इस पे भी एलएचएस क्या कह रहा है हमारा इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया तो परेशान हो जाओगे, लेकिन एक बार यहाँ पे समझ लोगे तो फिर कभी परेशान नहीं होगे बेटा। कॉस ए के माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, दिख रहा है ना बेटा? हाँ, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। और साथ में क्या है बेटा? कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ओके, ये चल रहा है हमारा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बेटा कि रिजल्ट में मिलाना क्या है? कॉससेक और कॉट, और इधर क्या चल रहा है? कॉससेक और साइन। तो क्यों ना हम एलएचएस में जो भी चीजें हैं उनको हम कॉससेक और कॉट में कन्वर्ट कर लें, तो हमारे इधर भी कॉससेक कॉट मिल जाएंगे, ठीक है ना? इधर भी कॉससेक और कॉट मिल जाएंगे, और उधर रिजल्ट में भी हमें क्या लाना है? हमें कॉससेक और कॉट में ही रिजल्ट देना है, तो हमारे लिए काफी ये आसान हो जाएगा, है ना? ये कॉस ए है बच्चों। ओके, तो क्या करना होगा? अगर कन्वर्ट करना है तो बेटा कॉस सेक लाने के लिए और कॉट लाने के लिए, अगर इसके नीचे मुझे साइन मिल जाए, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मुझे इसके नीचे साइन मिल जाए और इसके नीचे भी साइन मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉस सेक, और ये हो जाएगा कॉट। काम बन जाएगा? बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो बिल्कुल आ जाइए, इसको ध्यान से समझिएगा। एक ये जो पुटिंग है ना, बच्चों को वही दिक्कत देती है। अगर आपने ये बात समझ ली जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे, तो आप बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आइए जरा समझिए क्या कह रहा हूं मैं आपसे। डिवाइड एलएचएस बाय साइन ए, ठीक है ना बेटा? आप क्या करिए, पूरी के पूरी एलएचएस को क्या कर दीजिए? साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कर देंगे आप, तो होगा क्या बेटा? यहां पर जब साइन ए, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर आप इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, और कॉस ए अपॉन साइन ए सबको पता है क्या होता है बेटा? कॉट ए होता है। ठीक है, माइनस बेटा साइन ए अपॉन साइन ए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा? वन आएगा। प्लस
वन अपॉन साइन ए बच्चे, वन अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉस ए के होता है। ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना, ये पुटिंग मैंने कैसे की है, क्यों की है, क्यों इसलिए की है क्योंकि रिजल्ट में कॉस एक और कॉट आ रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, करना क्या है, अब इस पे भी बेटा डिवाइड होगा। अब बेटा यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा, कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा बेटा, वन माइनस वन अपॉन कॉस ए। ओके बेटा, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत खतरनाक। ओके, कॉस ए के लास्ट में बोल्ड थोड़ा खत्म हो गया मेरा, ठीक है कोई बात नहीं, समझ लेंगे इसको अच्छे से। अब देखिए बहुत ही ध्यान से बेटा, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर प्लस का कॉस आएगा, वहाँ पर माइनस का कॉस आएगा, और यहाँ पर माइनस का वन है और यहाँ पे प्लस का वन, ठीक है। और बेटा ध्यान से एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हुई लग रहा है मुझे, कि ये शायद ये डिवाइड में चल रहे हैं बेटा एक दूसरे के, एक मिनट दीजिए मैं देख लेता हूँ उस चीज़ को अपने पास से। ये बेटा डिवाइड में चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये डिवाइड में हो रहा है सब कुछ। ओके ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर आ रहा है माइनस का वन, नीचे आ रहा है प्लस का वन। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी बेटा, और वो आइडेंटिटी ही आपको समझनी है, मेन क्वेश्चन की जो चीज़ है वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ में नहीं आई तो आप बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक आइडेंटिटी देखी होगी आपने बेटा, आपको थर्ड आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने, उसमें क्या था बच्चे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है बच्चों, बोलो, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, यहाँ पर हमारा वन आया ना न्यूमरेटर में, उस वन की जगह पर आपको ये लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए जरा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कॉट ए ऐसी रहने दीजिए, कॉट ए और कॉस ए को एक साथ लिख लेंगे, कॉट ए प्लस कॉस ए, इसको बच्चों एक साथ लिख लेंगे। और जो माइनस का वन आ रहा है ना, वन, इस पूरे वन की जगह पर वो रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वन की वैल्यू ही होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस पूरे वन की जगह पर हम रिप्लेस करने वाले हैं किसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा में चल रहा है तो ए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, माइनस कॉट स्क्वायर। ओके, और अपॉन में क्या चल रहा है, उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है, एज इट इज कॉपी कर लेना है, कॉट ए प्लस वन, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के, इसमें बेटा कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये बेटा लेंथीएस्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, तो थोड़ा ध्यान देंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस हैं अच्छे लेकिन थोड़े शॉर्ट हैं, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्या करना होगा बेटा आपको, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये तो इतनी बार लग गया है कि दिमाग में आपको बिल्कुल बैठ गया होगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉट ए प्लस कॉस है के, और यहां पर जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो अगर कॉस एक ए को हम ए मान लें और कॉट ए को हम बी मान लें, तो क्या हो जाएगा यहां से, ए प्लस बी मतलब कॉस एक ए प्लस कॉट ए, और ए माइनस बी मतलब कि कॉस एक ए माइनस कॉट ए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। डिवाइड में क्या चल रहा है, बहुत लंबा सा, क्या है ये, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, है ना बेटा। अब बस हम आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं क्वेश्चन के, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा, अगर ये चीज अगर एक मान लूं मैं, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में अगर हम ढूंढें, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपको यहां पर भी मिलेगा बेटा, ये लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का, खत्म होने वाला है ये। कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपको यहां भी मिल रहा है, कॉट ए प्लस कॉस ए के आपको यहां भी मिल रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों को कॉमन ले लें। अगर हमारा कॉमन लेने से काम बनता है तो बिल्कुल इसको कॉमन लेंगे हम लोग, तो कॉट ए प्लस कॉस ए के कॉमन ले लेंगे जवाब यहां से। अगर दोनों में से आपने कॉमन ले लिया तो यहां पर बेटा क्या बचने वाला है, यहां पर वन बचेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉमन जा चुका है, और इस पूरी मल्टीप्लीकेशन में ये जा चुका है, तो क्या बचेगा यहां पर, कॉस ए माइनस कॉट ए। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या चल रहा है, उसको बेटा बिल्कुल चेंज नहीं करना है, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के। ओके,
है ना, हार्ड नहीं है बेटा, थोड़ा लेंदी है। लेंदी होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हार्ड है, आप समझने का पूरा कोशिश कीजिए, आपको पूरी गारंटी है कि वो क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार नहीं, दो बार देखिए, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, भागना नहीं है क्वेश्चन से कि क्वेश्चन हो नहीं रहा है तो हम छोड़ के बैठ जाएं उसको। तो करना क्या है आपको, देखिए बेटा, कॉट ए प्लस कॉस है कि, और आप देख पा रहे होंगे अब इस माइनस साइन को हटाएंगे और ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है ना। लास्ट स्टेप है बिल्कुल, ये कॉट ए प्लस कॉस है कि, अब बेटा यहां पर क्या बन रहा है, आप ब्रैकेट जब खोलेंगे तो वन माइनस बेटा कॉस है के माइनस का हो जाएगा, और ये जो कॉट है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके ना। कॉट है, और नीचे क्या चल रहा है, अब बस खत्म बेटा, ये क्या है बेटा, लास्ट पे क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस प्लस वन माइनस कॉस है, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब आप देखिए बेटा अपनी आंखों से कि क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। आगे पीछे लिखे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, टर्म्स तो वही हैं। तो बेटा कॉट यहाँ पर पॉजिटिव का है, वहां भी पॉजिटिव का, प्लस वन यहाँ पॉजिटिव का है, वहां भी पॉजिटिव का, माइनस कॉसेक ए है ऊपर भी माइनस कॉसेक ए है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारा सिर्फ रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और मुझे लगता है बेटा कि शायद यही प्रूविंग है, अभी हम लोग आपको दिखाते हैं कि क्या यही प्रूफ करना था हम लोगों को इतनी मेहनत के बाद। देखिए जरा, क्वेश्चन हमारा ये था बेटा, ये देखिए आपको प्रूफ करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो क्या हमारा ये आंसर आ चुका है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, 3 स्लाइड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसमें आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब कॉपी में एक दो बार इसको ट्राई कर लेंगे तो थर्ड टाइम आप इतनी अच्छे से कर पा रहे होंगे, मिनटों में इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम में बेटा हर चीज़ हार्ड लगती है, लेकिन आप उसमें छोड़िएगा नहीं, उसको करते रहिएगा मेहनत अपने हाथ से, अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए करिए क्लास में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमें आज ट्रिग्नोमेट्री हर हाल में ख़त्म करनी है, ठीक है, ताकि हम अब बाकी चैप्टर्स पर भी फोकस कर सकें। ठीक है, तो ये बेटा क्या है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंडर रूट वन प्लस साइन है वन माइनस साइन है इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। इन सा इसका बेटा बहुत ही चांस रहता है क्वेश्चन एग्जाम में आने का, लेकिन इसमें एक टेक्निक लगती है, वो आपने अगर पकड़ ली कि हाँ क्या होना है, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं खाएंगे। ठीक है, तो एल एच एस ले लेते हैं इसमें भी हम लोग। एल एच एस क्या हो गई बेटा, इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन है। इसमें करना क्या होता है आप लोगों को, आपको इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर मेरी क्लास आप डेली ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने एक क्वेश्चन में बता रखा है ये बात। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार कि कॉन्जुगेट में होता क्या है, कि आपको टर्म्स तो वही लिखनी होती हैं, बस आपको साइन चेंज कर देने होते हैं। अगर यहाँ पर वन माइनस साइन थीटा है तो आपको मल्टीप्लाई तो वन साइन थीटा से करनी है, लेकिन माइनस की जगह क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है। तो वन माइनस साइन थीटा की जगह पर आप क्या लिख देंगे, वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, वन प्लस साइन है, और न्यूमरेटर में अगर आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं या डिनोमिनेटर में किससे करते हैं, उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी करनी पड़ती है, ये मैथ्स का रूल कहता है, वन माइनस साइन ए ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो इससे होगा क्या, अंडर रूट लगेगा, और वन प्लस साइन ए बेटा ऊपर भी है, ठीक है ना बेटा, ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते, तो बेटा वन माइनस, अब ऊपर देखेंगे आप तो क्या आ रहा है, वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए। एक ही चीज की जब दो बार मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, होल स्क्वायर, तो वन प्लस साइन ए, ओके, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी, इतनी बार ये आइडेंटिटी लगी है बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना। तो अब आप कह रहे होंगे कि ओके सर, वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। चलिए इतनी बात हो गई, ओके, अब चलते हैं यहां पर थोड़ा सा जगह लेफ्ट है, आप क्या करेंगे बेटा, इसको क्या लिख देंगे बेटा, इसको तो अभी एज इट इज लिख लो, अगले स्टेप में कन्वर्ट करेंगे इसको, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ चेंज हो रहा है बेटा, देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में कुछ चेंज हो रहा है,
उस पर आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि बेटा ये क्या हो रहा है, वन माइनस साइन स्क्वायर है बेटा क्या होता है, अभी एक आइडेंटिटी आई थी बीच में, उसमें मैंने आपको बताया था। चलिए कोई बात नहीं, आपको याद भी होगी वो बात, तो ठीक है ना, आपको वो याद भी होगी। अच्छा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, वन माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, तो इसके क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो बेटा, अब तो लास्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं, खत्म होने वाली है, तो अब तो ये चीज़ याद हो गई होंगी, तो इसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है ना, आ जाओ। क्या था बेटा, अंडर रूट वन प्लस, अब बेटा ये रूट जो है अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें, देखो न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर है ओके ना, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो इसका ओवरऑल स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे कि अंडर रूट इस तरीके से, वन प्लस साइन ए पर भी स्क्वायर लगा हुआ है और कॉस ए पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्यों ना इसके मिलाकर इस पर स्क्वायर लगा दिया जाए, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं बेटा, है ना, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब आप एक नेक्स्ट स्टेप जो समझेंगे वो बहुत ध्यान से समझेंगे कि इस रूट को मैं कैसे हटाने वाला हूँ। बेटा किसी के ऊपर भी अगर रूट लगा होता है, इस रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होती है, और 2 अगर अंदर है ब्रैकेट के, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर मैं आपको हल्का सा समझाना चाहूँ, तो क्या लिखा हुआ है, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और इसके बाहर लगी हुई है पावर क्या, 1/2, ये है रूट। इसको मैंने ऐसे लिख के समझाया आपको, ये रूट लिखा हुआ है, तो बेटा रूट जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सारी की सारी पावर क्या हो जाएंगी बच्चों, ये सारी की सारी पावर हट जाएंगी, कुछ नहीं बचने वाला, क्या निकल के आएगा, बस ये निकल के आएगा हमारे पास 1 + sin a / cos, ठीक है ना, तो क्या निकल के आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा बेटा हमारे पास, 1 + sin a / cos a, है ना, इसको बस शांतिपूर्वक अलग अलग कर लेंगे, 1/cos a + sin a / cos a, ओके ना। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा 1/cos a क्या होता है, sec a होता है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा अब तो, sec a प्लस sin a / cos a क्या होता है बच्चों, sin a / cos a बेटा tan a होता है, ओके। आपको बेटा प्रूफ क्या करना था, sec a प्लस tan a आ क्या रहा है, sec a प्लस tan a, बेटा आपको लग रहा होगा सर कितनी आसानी से आप कर दे रहे हैं, हमें तो बहुत दिक्कत होती है बेटा, प्रैक्टिस की सब अंतर है, हम में और आप में क्या अंतर है, हम भी इंसान आप भी इंसान, बस प्रैक्टिस का ही तो अंतर है, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप भी खड़े हो जाएंगे हमारे यहाँ के, ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए बेटा, प्रैक्टिस दीजिए, मेहनत करिए, मैथ्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं मांगती है। जो लाइन कही गई है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बाकी सब्जेक्ट्स का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैथ्स का गारंटी 200% गारंटी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है बेटा, और मैन नहीं वुमेन परफेक्ट भी है, ऐसे मैन को हम लोग क्या करते हैं ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट नॉट ओनली मैन, ओके ना। चलिए आइए, तो बेटा ये क्या है, आहा क्या क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया, इतना आसान क्वेश्चन लगने वाला कितना हार्ड, क्या है बेटा आपको शायद दिख ना पा रहा हो, क्यूब है वहां पर, sin θ − 2 sin³θ 2 cos³θ − cos θ, आप कहेंगे सर क्यूब तक बात पहुंच गई, अब तो अब अभी तक तो a² − b² चल रहा था, तो a + b - b कर ले रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि क्यूब में बात चल रही है, कोई बात नहीं बेटा सब हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। देखो बेटा क्या करो, आप साइन थीटा कॉमन ले लो, इसमें साइन थीटा को आप कॉमन ले सकते हो मेरे कहने से, ब्लैक पेन ही सही रहेगा, दोनों में साइन थीटा कॉमन आ रहा है बेटा, तो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 − 2 sin²θ, ओके, और नीचे बेटा आप अगर कॉस, दोनों में कॉस आ रहा है बेटा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 cos²θ − 1, है ना, क्योंकि -1 बचने वाला है यहाँ पर, ओके। अब होगा क्या यहाँ से, देखो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो मिल गया, ये मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के, तो अगर आप इसको देखें तो ये तो टेन बन गया, टेन थीटा बेटा, टेन थीटा आ गया और टेन थीटा ही लाना था, तो प्रूफ तो आ चुका है, लेकिन ये सारी दिक्कतें दे रही हैं हमें, अगर ये ना होता तो हमारा आंसर आ गया होता, तो ये बात तो समझ में आ रही होगी कि इसको कैंसिल करके 1 ही आने वाला है, क्योंकि जो प्रूफ लाना है वो तो ला चुके हैं हम, लेकिन ये भी तो काटना है तो 1 ही आना चाहिए, तो करना क्या होगा बेटा आपको, 1 − 2 sin²θ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 − cos²θ लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपॉन इसको बेटा एज इट इज लिखेंगे 2 cos²θ, यहाँ पर भी वही पॉलिसी लग रही है बेटा, एक को फिक्स करना एक को कन्वर्ट करना, है ना,
वो चीज बहुत बार यूज होती है। अब करेंगे क्या यहां से, टेन थीटा आ चुका था, उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, वन माइनस टू हो जाएगा बेटा, यहां से माइनस टू हो जाएगा, और माइनस माइनस टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और साथ में टू बन जाए टू, वो भी माइनस का, और नीचे क्या चल रहा है बेटे, फिक्स रहेगा वो तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके अब करेंगे क्या, आप टेन थीटा ऐसे रखेंगे, साथ बेटा क्या चल रहा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा वन माइनस टू कितना होता है, वन माइनस टू माइनस वन होता है, और नीचे क्या चल रहा है बेटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप देख पा रहे होंगे बेटा फिर से सेम आ गया, कुछ है ही नहीं बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ नहीं है। आपको कुछ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कुछ कन्वर्जन याद होना चाहिए, 90 माइनस थीटा ये सब याद होना चाहिए, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बस पेन उठाना है शांतिपूर्वक, एक घंटा दो घंटा एक डेली या एक दिन छोड़ के करते रहना है, कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगी। ठीक है, आप समझते हैं कि एक ही दिन में मैं 10 घंटे पढ़ लूँ, उसके बाद एक हफ्ते तक पढ़ू ही ना। ठीक है ना, ये पॉलिसी 90% बच्चों की होती है कि आज मुझे मोटिवेशन मिल गया है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का, आज मैं सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा। एक दिन इतना पढ़ लेते हैं कि ओवरलोड हो जाता है और 7 दिन तक किताब ही नहीं खोलते हैं फिर, है ना। ऐसा नहीं करना है, 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा जितना भी पढ़ना है डेली पढ़ना है। डेली पढ़ेंगे आप तो किस दिन आप इतने हाई लेवल पर हो जाएंगे मैथ्स में, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मुझे इतना कुछ आता है ना। ठीक है, तो ये बात आप कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा। तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये बेटा कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा हमारा, बस हमारा टेन थीटा बच रहा है यहाँ से बेटा। अरे रे 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 रे, रे ये क्या होगा भाई, अच्छा अच्छा इसको मैं डाल देंगे बेटा, मिटला बेटा। ठीक है ना, तो क्या होता है, क्या बचा हमारा बेटा, टेन थीटा। ओके, और मैं लाना क्या था बच्चों, बोलो बेटा लाना क्या था, हमें लाना क्या था बेटा, टेन थीटा है ना, प्रूफ करके क्या लाना था, टेन थीटा, और आगे आ गया टेन थीटा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ, कितनी आसानी से बेटा क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं, आपके सामने खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ठीक है, इसी सीरीज में हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या कह रहा है बेटा, ये तो इतना ईजी क्वेश्चन है लेकिन लगता बहुत टफ है, बोले 7 से 7 कहाँ से आ गया इसमें इतना हार्ड। चलिए आइए इसको आसान बनाते हैं आपके साथ मिलके हम लोग। ठीक है ना, आइए जरा चलिए देख लीजिए जरा बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, होल स्क्वायर खोल देना है इसमें। क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ओके ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए कॉसेक ए, है ना। ये क्या हुआ बेटा, कुछ ज्यादा कठिन काम तो नहीं कर दिया बेटा मैंने, बेटा मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है सिर्फ और सिर्फ, ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा 8th-9th में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉसेक ए। इसके साथ साथ बेटा इसका भी खोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आप देखिए कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए बेटा, कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए आप, मत ढूंढिए बस समझिए बेटा। क्या ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं? अगर कॉसेक को मैं 1/sin लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अगर इसको मैं 1/sin लिखूंगा और साइन मल्टीप्लाई में है, तो क्या ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगी? और वही काम बेटा यहाँ पर भी होगा, इस sec a को हम क्या लिखेंगे, 1/cos लिख सकते हैं, तो क्या ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगी? बिल्कुल कर देंगी। ठीक है ना, और भी बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में, आप इसको देखिए साइन स्क्वायर ए को, सब कुछ सारी टर्म्स बेटा प्लस में ही तो हैं, तो कोई सी भी टर्म किसी के साथ भी ले सकते हैं हम बेटा। इन दोनों की आइडेंटिटी आपने फर्स्ट पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो क्या इन दोनों की जगह पर मैं वन नहीं लिख सकता, है ना, क्या इन दोनों की जगह पर मैं वन नहीं लिख सकता? अरे चलिए कोई नहीं, चैप्टर खत्म हो रहा है तो सब लोग परेशान करने में लगे हुए हैं। वन ठीक है बेटा, वन हो गया प्लस बेटा यहां से टू बचेगा, प्लस यहां से टू बचेगा, प्लस क्या बच रहा है बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए
ठीक है ना, कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना। चलिए आ जाइए, इतनी बात समझ में आई बेटा इस क्वेश्चन में, ये टॉप क्लास क्वेश्चन था, इसमें तीन की तीनों आइडेंटिटी आपको यूज करने को मिल गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये वन हो गई और बाकी जो दो है वो अब यूज होने वाली है, ठीक है ना। होता क्या है बेटा, यहाँ पर कितना आएगा, ये फाइव आएगा, अभी सिर्फ फाइव आया, हमें लाना सेवन है, तो बेटा थोड़ा सबर करो, सबर करो, ठीक है, रुको जरा, ठीक है ना। क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बेटा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, और सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वन प्लस, क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन स्क्वायर ए, है ना। चलिए ओके, अब आप देख पा रहे होंगे कि सारा खेल खत्म हो चुका है बेटा, फाइव ये वन और वन, तो बेटा कितना हो गया, फाइव प्लस वन कितना हो गया बेटा, सेवन प्लस क्या चल रहा है बेटा, टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, ये साथ में लिख देंगे, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब सेवन प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है ना। और लाना क्या था बेटा, हमें प्रूफ करके बच्चे लाना क्या था, सेवन प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, और हमारा रिजल्ट आ क्या रहा है बच्चों, सेवन प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा जोक सुनाने नहीं आता हूँ मैं, ठीक है ना, मैथ्स कराने आता हूँ, मैथ्स के टीचर आपको ऐसे ही मिलेंगे, थोड़ा सा सब्जेक्ट के प्रति को ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, जोक्स नहीं सुनाता हूँ बेटा आपको, मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, आप पढ़िए अच्छे से, जोक सुनने के तो बेटा पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, आप आराम से जोक सुनिए, हंसीए गाइए नाचिए, पढ़ने आए हैं तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो क्या होगा, ये बेटा आंसर आ गया आपका यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन पे, दो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं अभी, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हमारे पास, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, मैं पानी पीता हूँ हल्का सा अभी, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, आसान लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। कॉस सेक ए माइनस कॉट ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। आइए जरा करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, आज तो बस क्वेश्चन ही करते रहिए, आप लोग समझते रहिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और घर पे देखते रहिएगा, ताकि आपको बार बार समझ में आए। ये क्वेश्चंस ही बेटा हैं, ये खास क्वेश्चन तो लास्ट एक्सरसाइज में ही है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। जब मैं सारा सिलेबस खत्म करा दूंगा तो एनसीईआरटी के अलावा जो बुक्स आती हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन पहले हमारी को कोशिश कर रही है क्या, एनसीईआरटी पूरी खत्म कर देनी है, उसके बाद हम उन चीज़ों पर भी जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है हमें, वन कॉस सेक ए माइनस साइन ए, बेटा कॉस सेक और साइन में रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों को क्या कर लें, वन अपॉन साइन ए लिख लें, है ना, और साइन यही रहेगा। वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, वन अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए, और कॉस यही रहेगा, ठीक है ना। इसमें बेटा एलसीएम आ जाएगा, अब मैं थोड़ा स्पीड से कर सकता हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है ना, बहुत अच्छे से एलसीएम कैसे लेना है, कन्वर्ट कैसे करना है, रेशनलाइज कैसे करना है, सारी चीज़ें आपने ट्रिग्नोमेट्री में कमांड कर ली है। वन माइनस बेटा यहाँ पर जब साइन से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी साइन हो जाएगी, तो साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है ना। और वही काम यहाँ पर होने वाला है, कॉस ए एलसीएम आएगा, यहाँ तो बेटा वन ही रहने वाला है, लेकिन इसके नीचे एक वन है, तो वन की कॉस से मल्टीप्लाई, तो ऊपर की कॉस से मल्टीप्लाई, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे बेटा वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और नीचे क्या चल रहा है, साइन ए, ओके ना, दिख रहा है ना बेटा आपको। और वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर होता है अपॉन कॉस ए, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, दिख रहा है। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे कॉस से एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी ये वाली, और साइन से इसकी पावर एक कट जाएगी, तो रिजल्ट हमारा क्या बचेगा, रिजल्ट हमारा बचने वाला है कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है ना, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। सर ये रिजल्ट तो लाना नहीं है, कुछ और ही लेके आना है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा समझाओ, सबर करो, रुको जरा, ठीक है, ये रिजल्ट यहीं पर बचा के रखो, ये रिजल्ट आगे यूज होने वाला है अभी, ठीक है। तो ये कॉस ए साइन ए कर दिया आपने, अब आप क्या करेंगे, मुझे प्रूफ क्या करना है, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब मैं बेटा आर एच एस को उठाऊंगा और क्वेश्चन को खत्म करूंगा, वन अपॉन क्या था बेटा, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए लेके आना है ना, कोई बात नहीं, वन अपॉन टेन ए
प्लस कॉट ए लेके आना है ना, अभी आ रहा है बेटा, अभी आ रहा है बेटा। करेंगे क्या, इस पूरे को कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस में, क्योंकि हमारा इधर क्या आ रहा है साइन और कॉस, और इधर आ रहा है टेन और कॉट, और टेन और कॉट का रिलेशन भी होता है साइन और कॉस में, तो क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर लें, है ना, क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर लें। तो टेन ए को हम लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना, प्लस कॉट ए को लिख देंगे बेटा कॉस ए अपॉन साइन, ठीक है ना, ओके। अब बेटा क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे बेटा, नीचे एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। और बेटा अब जब साइन ए कॉस ए एलसीएम आया है तो कॉस ए तो है ही है, साइन ए नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई साइन ए से हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अगर इसकी मल्टीप्लाई साइन ए से हो जाएगी तो ऊपर वाले की भी साइन ए से करनी पड़ेगी, तो साइन ए पहले से भी है, तो साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, प्लस यही चीज यहाँ पर होगी साइन ए की बेटा कॉस ए से करनी पड़ेगी, और कॉस ए ऊपर से है भी पहले से, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ से क्या बन रहा है, बेटा ये आइडेंटिटी है पूरी की पूरी, ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो इस पूरे की वैल्यू बेटा वन हो जाएगी अपॉन, नीचे आ रहा है बेटा साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब रिजल्ट में होगा क्या, ये सारी ये जो डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है फ्रैक्शन में, तो ये चीज ऊपर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा बेटा साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था, जो रिजल्ट हमें बचा के रखने को आपने कहा था वो हमने बचा के रखा है, और हमारा ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये क्या है बेटा, कॉस ए प्लस साइन ए एल एच एस को प्रूफ करते हुए आ गया, आर एच एस को भी प्रूफ करते हुए हमारा यही रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, आर एच एस को भी हमने प्रूफ किया तो हमारा यही रिजल्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपसे कहा था कि दोनों साइड प्रूफ करनी पड़ती हैं, ये हमारी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें एलएचएस भी यूज करनी पड़ी और आरएचएस भी यूज करनी पड़ी, तब जाके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उस पर हम चलते हैं ताकि हम इसको खत्म कर सके, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अगर आप कोशिश कर सकते हैं थोड़ा ट्राई कर लीजिए, एक मिनट का आपको मैं वक्त देता हूँ, उसके बाद मैं इसको कराता हूँ, ठीक है ना, देख लीजिए। बेटा एक मिनट में तो सर नहीं होगा, इतना आप कम टाइम दे रहे हैं ना, चलिए कोई बात नहीं बेटा, आपका स्टार्टिंग है कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, जब आप दो तीन बार क्वेश्चन कर लेंगे ना उसके बाद आप इतनी आसानी से कर लेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि सर कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं इनको, हमें कभी यकीन भी नहीं हो रहा था कि हम इतने आसानी से भी कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री को जितना आपने हमें करवा दिया है, ये आप खुद बोलेंगे बेटा, मैं नहीं बोलूंगा, आप बस मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, इतना आसान वे मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर खड़े होकर, आप खुद ही देखेंगे कि सर क्या बात है, मज़ा आ गया है ना। चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं हम, एलएचएस को लेते हैं बेटा, यहाँ पर दो प्रूफ करने हैं, ठीक है, दो प्रूफ करने हैं, दो प्रूफ मतलब ये बेटा एक अलग एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, इसमें आपको तीन रिजल्ट दे दिए होते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको करना क्या होता है आपको, इसको भी अब देखो ये बड़े बड़े हैं ये छोटा सा है, तो इसको भी इसके इक्वल प्रूफ करना होगा और इसको भी इसके इक्वल प्रूफ करना होगा, और कुछ भी इसका कुछ का मतलब नहीं है, तीनों रिजल्ट दिए होते हैं, तीनों इक्वल हैं आपस में, तो आपको दो रिजल्ट लेकर थर्ड रिजल्ट के बराबर प्रूफ करना होता है, ठीक है। आप कहते सर इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दें, अच्छी बात है कर दीजिए, लेकिन ये छोटा सा रिजल्ट है तो आपको यहाँ तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, तो करना क्या है आपको पहले एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस वन ले लो टू ले लो, क्योंकि दो हैं इसमें एलएचएस, आरएचएस एक है, तो क्या होगा बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, यही तो है बेटा एलएचएस हमारा। आप करेंगे क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर बेटा टेन लाना है, टेन लाना भी है और टेन है भी, तो इसको तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो कॉट है इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस बेटा कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके। अब होगा क्या, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे बेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर ऊपर चल रहा है और नीचे बेटा जब एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर, यहाँ पे वन है ना, तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन, ठीक, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है बेटा टेन स्क्वायर, थोड़ा नीचे हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा, ठीक है ना, टेन इसको, हाँ बेटा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अगले पेज पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बेटा, इतना अच्छे से पढ़ाया तो लास्ट में हम इतना दिक्कत क्यों दें, पूरा आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, होगा क्या,
वन प्लस टेन स्क्वायर ऊपर चल रहा है, ठीक है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर ऊपर चल रहा है, और एलसीएम लेकर क्या बन रहा है, टेन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर, ये बन रहा है ना। आप करेंगे क्या, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, बहुत आसान वे में हो गया। आप तो ऊपर क्या चल रहा है बेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू, बेटा टेन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर ए प्लस, एक ही बात है। आप देख पा रहे हैं बेटा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बोलो जरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। वन प्लस टेन स्क्वायर ये पूरा का पूरा, और वन प्लस टेन स्क्वायर ये पूरा का पूरा कट गया है, क्या बचा है हमारे पास, टेन स्क्वायर ए, है ना बेटा, ये हमारा लेफ्ट बचा है। और आप देख पा रहे होंगे कि हमें प्रूफ करके क्या लाना था, टेन स्क्वायर ही लेकर आना था। सर आपने ये बीच वाला तो कराया ही नहीं बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं तो कम से कम आप एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मेरे लिए होमवर्क ले जाइए, इसको आप प्रूफ करके देखिएगा। अगर आप बताएंगे कमेंट्स में आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको भी कराऊंगा, और अगर आपने बोला नहीं कमेंट में, अगर आपने कमेंट में नहीं बोला तो मैं मान के चलूंगा आपको हो गया है, तो मैं कल से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर तो चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट से बता सकते हैं कि सर ये वाला चैप्टर कराइए हमें, और अगर नहीं लगता है तो मैं अपने हिसाब से, आप मुझे लगता है कि बच्चों को इसमें डिफिकल्टी ज़्यादा होती है। देखो ट्रिग्नोमेट्री मैंने उठाई थी सबसे पहले, ठीक है ना, इसके बाद हम सम एप्लीकेशन तो ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से हम साइन कॉस चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसमें कुछ नया फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे अच्छा सा जिसका इससे कोई संबंध ना हो, ठीक है ना। अगर मैं आपको सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री कराने लगूंगा तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाएंगे, तो बाकी में थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा फील नहीं आना चाहिए, बस मेन चीज़ है, मेरी क्लास में बोरियत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ब्रेक लेके हम लोग करने वाले हैं, अभी हम लोग कोई नया चैप्टर करेंगे, फ्रेश चैप्टर जिसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। और बिलीव मानिए अगर आपको ये 80% समझ में आया है मेरे द्वारा, तो वो 160% समझ में आएगा डबल, क्योंकि वो तो और आसान होगा और समझाने का तरीका आपको पता ही है मेरा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को हमने आज किया है, तो कुल मिला के ये टेन स्क्वायर आ चुका है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो 1-10 और 1-40 का होल स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर प्रूफ करना है, ये आपका होमवर्क है आज के लिए। आप करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि सर हमने कर लिया है या नहीं कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको कुछ अपना सजेशन देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर आज क्या होता है बेटा, दी एंड होता है। काफ़ी लंबा सफर रहा ट्रिग्नोमेट्री का, 14 लेक्चर्स लिए मैंने, आपको लग रहा होगा कुछ वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब पर बेटा 2 लेक्चर में ख़त्म 3 लेक्चर में ख़त्म, तो बेटा क्वेश्चंस तो आप कहीं से भी कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस तो आपको ऑफलाइन भी मिल जाते हैं, टीचर्स और हर जगह बेटा मिलते, इतनी बुक्स हैं। मेन चीज़ है बेटा कॉन्सेप्ट समझाना, अब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत से टीचर हैं, अब जिससे आपको समझ में आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। किसी के कितने व्यू हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, उससे क्या बेटा, वो उनका प्रॉफिट है। आपको तो सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए कि कौन से टीचर का हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है, हम उसी से पढ़ेंगे, उसके कितने व्यू हैं, कितने कमेंट है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के लिए आज आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉमिस करेंगे मुझसे, आप जितनी मैंने शिद्दत से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है आप भी उतनी शिद्दत से रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपको प्रेफर हो आप आराम से मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं, कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।